हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। ये वीडियो में हम जानेंगे GHMC इलेक्शंस में क्यों इतना ट्रेंड हो रहे हैं, क्यों इस बल्दिया इलेक्शंस को इतना हाइप हो रहा है, इलेक्शंस मिनी असेंबली इलेक्शंस की तरह क्यों देख रहे हैं, क्यों इस नेशनल चैनल्स अमित शाह जी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, इतना क्या है हैदराबाद, एक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और वो पार्टी क्या है, कौन सा वो पार्टी है जिसके पास मैनिफेस्टो नहीं है मगर नेशनल पार्टी बनना चाहती है, वो कौन सा पार्टी है जो इस इलेक्शन में उसका मैनिफेस्टो नहीं है मगर उनका उनका जीतने की बहुत आशंका है, कौन सा पार्टी है जो नेशनल पार्टी में विदाउट मैनिफेस्टो इलेक्शंस में अपना रिप्रेजेंटेशन दे रही है, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए, फिर देर किस बात की। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम बैक। यही GHMC इलेक्शंस में हैदराबाद स्टेट का ये होने वाला ये GHMC एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शंस है, मगर इसमें हर एक पार्टी नेशनल पार्टी से लेकर लोकल पार्टी से सब टफ फाइट दे रहे हैं, ऐसा क्या है इस हैदराबाद में, क्यों इतना टफ फाइट इसे मान रहे हैं, क्यों इतना टफ फाइट मान रहे हैं, इसके जाने से पहले हम लोग एक बार हैदराबाद का हिस्ट्री जानेंगे और कैसी बनी GHMC जानेंगे और GHMC का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका बॉडी क्या होती है वो जानेंगे और कहाँ पे यहाँ पे फाइट हो रहा है ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो हैदराबाद को रूल करने वाला आपका तेलंगाना को रूल करने वाला पहले कुली कुतुब शाही डायनास्टी फिर निज़ाम, इससे कुली कुतुब शाही से पीछे गए तो काकतिया डायनास्टी, ऐसा सब डायनास्टीज है, मगर ये हैदराबाद जो कभी गोलकोंडा बोलते थे, गोलकोंडा का जो बीच के गोलकोंडा से जब नीचे आते हैं जो एरिया है उसको हैदराबाद बोलते हैं, इस हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको एस्टैब्लिश किया, इसका फाउंडर बोलते हैं उनको ये, और इस हैदराबाद का और एक नेम है भाग्यनगर। भाग्यनगर बोले तो एक स्टोरी भी हमारे लेटियंस दिल्ली वाले जो भी हिस्ट्री को गलत बोलने बोस को सुखदेव जैसे वो लोगों को टेररिस्ट कहलाया, ऐसा ही एक कुकड़प स्टोरी है, कुकड़प में बोले तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, एक कुकड़प स्टोरी मुझे मेरी तरफ से तभी एक लव जिहाद हुआ मोहम्मद कुली कुतुब शाही और एक डांसर के बीच बागमती के बीच में प्यार हो गया, तो ये हैदराबाद मुसी रिवर के राइट साइड में रहने वाले हैदराबाद में एक को मुसी रिवर को पार करते हुए उन्हें बागमती से मिलने गए, बाद में उन दोनों का शादी हो गई और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। कोई भी ये बात अंडरलाइन नहीं करता कि बागमती आफ्टर मैरिज क्या हुआ बोल के, कोई अंडरलाइन नहीं करता, मगर ये हिस्ट्री एक में एक पढ़ाया जाए सो एक लव स्टोरी है, क्योंकि पीपल माइंड्स एक स्टोरी से बताया तो ज़्यादा, और वो भी लव स्टोरी में बोलता है तो सब लोगों का अट्रैक्ट होती है, मगर यहाँ पे चार मीनार भी है, जो चार मीनार 500 ईयर्स का हिस्ट्री, जो प्लेग डिसीज के प्लेग डिसीज जब हैदराबाद में हुआ उसके तहत के जो बनाया चार मीनार को बनाते वक्त कोई कहते हैं कि वहाँ पे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो आज अमित शाह जी आए हैं वहाँ पे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल को प्रे कर वहाँ पे पूजा करके फिर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, वो है चार मीनार, मगर
ये लोग जो कहानी बताते हैं वो बागमती को मैरिज किया ऐसा लव स्टोरी, मगर इसका और एक बागमती से साइड को रखे तो बाग नगर को भाग्य नगर हो गया बोल के कुत्तोड़े लोग बोलते हैं। बाग नगर बोले तो उर्दू में बाग मीन्स गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन बोल के इन्होंने इसको नाम है, ऐसा एक भी नाम है इसका नाम है सिटी ऑफ गार्डन्स, बाग नगर, बाद में भाग्य नगर ऐसा नहीं, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल होने से ये भाग्य नगर बना बोल के एक स्टोरी है। फिर भी अब तो इसको हैदराबाद कहते हैं, मगर तेजस्वी सूर्या ने वो बताया कि इसको भाग्य नगर बनाएंगे हैदराबाद से निकाल के, हैदराबाद नेम चेंज करेंगे, क्योंकि इस GHMC इलेक्शंस को पहले बल्दिया इलेक्शंस बोलते थे। पहले भी हैदराबाद म्यूनसिपालिटी है, MCH म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद है, इसको बल्दिया इलेक्शंस भी बोलते रहते हैं। बल्दिया मीन्स उर्दू में म्यूनसिपल, ऐसा बल्दिया नाम के सिटीज कराची पाकिस्तान में देखे, कराची पाकिस्तान में, हैदराबाद है, बल्दिया है, और बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी ऐसा बल्दिया है, बल्दिया मीन्स म्यूनसिपाल्टी। तो ऐसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल्टी इलेक्शंस के ये लोग बल्दिया इलेक्शंस करते हैं। इस बल्दिया इलेक्शंस में तब लोग एक स्पेशल ऑफिसर रहता है और पुलिस कमिश्नर रहते हैं, उसको कोतवाले बल्दिया बोलते थे। अब भी उनको जब भी अपीसमेंट करना है तो ऐसे ही बुलाते कोतवाले बल्दिया, कोतवाल मींस पुलिस कमिश्नर ऑफ बल्दिया, बल्दिया मींस म्यूनसिपाल्टी। ऐसा इसको GHMC इलेक्शंस को बल्दिया इलेक्शंस भी बोलते हैं, मगर बल्दिया मींस म्यूनसिपाल्टी, मगर ये GHMC एक म्यूनसिपाल्टी नहीं है, इसमें बहुत म्यूनसिपाल्टीज है मिलके एक कॉरपोरेशन बना, क्योंकि म्यूनसिपाल्टीज 2-3 म्यूनसिपाल्टी मिले तो कॉरपोरेशन ऐसा बोलते हैं ना, इसीलिए ये GHMC मींस बहुत म्यूनसिपाल्टीज है, इसलिए इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। बल्दिया बोले तो ओल्ड सिटी एरिया में आते हैं जो उसको हैदराबाद म्यूनसिपल्टी बोलते हैं, उसको बल्दिया बोलते हैं। तो GHMC सर्किल में जो ओल्ड सिटी है उसको तब के निज़ाम के टाइम पे इसको बल्दिया कहते हैं, क्योंकि आफ्टर कुली कुतुब शाह डायनास्टी निज़ाम डायनास्टी आया, निज़ाम के रूलर्स को बहुत उर्दू पसंद थी, मगर हैदराबाद में ये निज़ाम तेलंगाना में इतना पढ़ाई ना होने से वजह से एक सेटलर को यूपी से उर्दू के जो भी जाने जाते हैं उन लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलते थे। ऐसा निज़ाम के दो प्राइम मिनिस्टर है पूरा निज़ाम डायनेस्टी में, हम जब भी उसका प्राइम मिनिस्टर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जब से होने लगा वो तब से दो प्राइम मिनिस्टर निज़ाम के अंडर काम करे, वो प्राइम मिनिस्टर के सालार जंग वन का बेटा है सालार जंग टू, ये तो दोनों इनका फैमिली उत्तर प्रदेश यहाँ पे आने वाला, जैसे सेटलर बोलते हैं ना वैसा आने वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये बहुत अकलमंद आदमी था, तो इसने 1869 में हैदराबाद म्यूनसिपाल्टी और चादरघाट म्यूनसिपाल्टी बोर्ड बनाया, इस दोनों को एक एक ऑफिसर रख के वो म्यूनसिपाल्टी, पहला म्यूनसिपाल्टी कब बने इस हैदराबाद में 1869 में सालार जंग ने ऐसा चादरघाट बोर्ड, हैदराबाद म्यूनसिपल बोर्ड, दो बोर्ड्स बना के इसको एक एक ऑफिसर रख के यहाँ पे डेवलपमेंट देगा, क्योंकि तब मूसी रिवर्स का फ्लड आया तो प्लानिंग करनी थी, सिटी सब डूब गई, जैसे अक्टूबर नवंबर में ऐसा बारिश आया तो जैसे तब भी मूसी रिवर में फ्लड आए, मूसी रिवर को फ्लड आया, अब तो रेन की वजह से फ्लड आया, तब मूसी रिवर को फ्लड आया तो ये दोनों एरिया डूब गए, तो तब उन्होंने सालार जंग ने ये निज़ाम ये ऐसा म्यूनसिपल बोर्ड्स बनाने का प्लान किया ऐसा 1869 में। फिर बाद में 1921 में हैदराबाद म्यूनसिपाल्टी जब ये
चादर म्युनिसिपल हैदराबाद म्युनिसिपल बोर्ड चादरघाट म्युनिसिपल बोर्ड दो बोर्ड बने तो उसका एरिया कितना मालूम 55 किलोमीटर्स। हाँ उसका पॉपुलेशन 2-3 लाख पॉपुलेशन थे तब को इसको म्युनिसिपल बोर्ड बना के ये इसका प्लानिंग करे। तो बाद में इसको डेवलप होते हुए 1921 में हैदराबाद म्युनिसिपालिटी बना। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक 84 किलोमीटर्स तक ये म्युनिसिपालिटी हैदराबाद म्युनिसिपालिटी देखती थी। फिर 1920 में तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1933 में चादरघाट हैदराबाद दोनों बोर्ड्स को मिला के कॉरपोरेशन बना। फिर 37 में हैदराबाद चादरघाट के ऊपर जुबली हिल्स रहती है उसके बोले तो नॉर्थ साइड, ये दोनों साउथ साइड रहते हैं हैदराबाद मैप में। चादरघाट हैदराबाद म्युनिसिपालिटी ये चादरघाट म्युनिसिपालिटी बोर्ड जुबली हिल्स के नीचे रहते हैं तो साउथ जोन में आते हैं ये सब। ये सिटी का 84 किलोमीटर साउथ जोन में आते हैं तो जुबली हिल्स जोन जहाँ जुबली हिल्स बंजारा हिल्स को मिला के 1937 में एक बोर्ड बना मगर कुछ रीजंस की वजह कैंसिल हो गया। लास्ट आफ्टर 1950 में सिकंदराबाद म्युनिसिपालिटी, यही इंडिया में एक ही एक शहर के है जो ट्विन सिटीज़ के कैपिटल है जो ट्विन सिटीज़ में जाना जाता है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद मूसी नीवर ये जीएचएमसी के बीच से जाती है तो हैदराबाद का राइट साइड मूसी नीवर का राइट साइड हैदराबाद आती है, लेफ्ट साइड सिकंदराबाद आती है। इसको 1950 में म्युनिसिपालिटी बना मगर ये 1921 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया तो इतना डिफरेंस है। फिर बोले तो एरिया एक्सटेंड कैसा हुआ आपको समझने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। 1956 में जब हम ये 1950 में म्युनिसिपालिटी तो हैदराबाद का एरिया एक्सटेंड हो गया कहाँ तक सिकंदराबाद, मगर बीच में जब मूसी रिवर जाती है ना इसलिए हैदराबाद सिकंदराबाद मगलते हैं मगर इसको कैपिटल ही बोलते हैं तो ऐसा ये दोनों बना। 56 बोले तो इंडिपेंडेंस आ गया आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से मिक्सअप करके लिंग्विस्टिक स्टेट जब बनी तब 1956 में इस दोनों को मिला के जुबली हिल्स को मिला के सिकंदराबाद हैदराबाद चादरघाट सिकंदराबाद जुबली हिल्स बंजारा हिल्स को मिला के इसको MCH म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद 1956 में। जब हम निज़ाम के बारे में बताते हुए हमने बोला सालार जंग ने ये सिटी को ऐसा प्लान म्युनिसिपालिटी में बदला कॉरपोरेशन में बाद में बदला मगर इस निज़ाम के रूलर्स के टाइम पे मूसी का फ्लड्स आया तब उन्होंने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय 1921 ऐसा तो ये बहुत बड़ा इंजीनियर था तो इन्होंने दो डैम्स रिजर्वायर्स बना के दिया। वो उन लोगों का प्लानिंग 100 ईयर्स था 100 ईयर्स क्योंकि एक सिटी का प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जो 100 ईयर्स तक सस्टेन हो सकते हैं। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कैपिटल्स कहाँ पे बनते थे मूसी नदी के सामने नहीं थे जैसे दिल्ली के पास यमुना रिवर के पास दिल्ली ऐसा सभी कैपिटल्स रिवर के एडजस्ट में बने हैं मगर उन लोगों का प्लानिंग देखिए कि अब तक ही भी वो सिटीज एग्जिस्ट हो रही है। तो एक सिटी प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि वो 100 ईयर्स तक वो उसका कुछ प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसा मोक्षगुंडा विश्वेश्वरैया जी ने निज़ाम को रूलर को ऐसा बना के दिया क्योंकि मूसी फ्लड्स आके चादरघाट हैदराबाद सब डूब गए तो उन्होंने रिजर्वायर तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी निज़ाम रूलर को एक 100 ईयर्स का प्लानिंग बना के दो हुसैन सागर उस्मान सागर रिजर्वायर्स फ्लड ड्रेनेज सिस्टम सब बोले तो हैदराबाद साउथ जोन से बोले तो हैतनगर ईस्ट अब जो जोन है वहाँ तक का ड्रेनेज सिस्टम पूरा बना के एक 100 ईयर्स का प्लानिंग बनाया।
मगर ये अक्टूबर नवंबर में आया जो फ्लड्स है वो हाई रेनफॉल दो 100 ईयर्स के बाद आया, ये मौसी रिवर से वजह से नहीं आया हाई रेनफॉल। मगर जब कैपिटल सिटी बनी तो सब लोग वहाँ पे स्टे करने की जो सोचते हैं वहाँ पे ओन हाउस रहने की बोलते, ये डेवलपमेंट की वजह से क्या हो गया, एंक्रोचमेंट हो गया ये नालाज। क्योंकि हैदराबाद के पास राइट साइड जो हैदराबाद है उसके पास जो है सराउंडिंग एरिया से वो सब 150 लेक्स से सराउंडेड है। एक छोटा बोलता हूँ, क्योंकि मूसी का फ्लड, मूसी रिवर का वाटर तब जब फ्लड्स आया उसको कंट्रोल करने के लिए दो सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर, दो सागर बनाया है ऐसा 150 लेक्स ऐसा, उसका कंटिन्यूस चेन प्रोसेस लेक्स है ये सब। बोले तो एक ऊपर का लेक फिलअप हो गया तो ऑटोमेटिकली नीचे का लेक में वो पानी चला जाता और उसके नीचे का पानी चला जाता, ऐसा ब्यूटीफुली ये चेन प्रोसेस। जब काकतिया से टाइम से ये चेन प्रोसेस लेक्स एग्जिस्ट थे और इसको एक रूट मैप दिया जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या उसको टेक्निकली टैक्टफुली उसको डिज़ाइन किया। मगर जब इसका एंक्रोचमेंट हो गया तो इस हैवी रेनफॉल्स को ये डूब गई, जो सब नाला के ऊपर अपना घर बनाए तो फ्लड कहाँ जाती वहाँ पे। तो अब ये हैदराबाद सिटी को स्पॉन्ज सिटी बनाना चाहिए, स्पॉन्ज सिटी अब ये पॉपुलर चल रहा है प्लानिंग में, देखेंगे कैसे बनाते हैं ये अब GHMC के मेयर आने वाले। क्योंकि 2007 में बना ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अभी इसका थर्ड इलेक्शन है तो हम लोग जानेंगे GHMC का रोल क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या है, प्लानिंग क्या है, इसका बॉडी कैसा होता है, एक ब्रॉड व्यू, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है तो इससे मालूम कर सकते हैं। GHMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसका क्या होता है, 6 जोन्स है, ईच जोन में जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रहते हैं, ये लोग IAS लेवल का होते हैं। GHMC का एबोव पहला लेवल है कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर जो IAS है, और ईच जोनल में जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये लोग भी स्टेट से रिक्रूट होते हैं। ये जोन के नीचे आने वाला सेगमेंट है सर्किल, इस सर्किल में डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। और इस GHMC के लिए स्पेशल इंजीनियरिंग चीफ, चीफ इंजीनियर एट हेड ऑफिस होते हैं। कौन है ये सब लोग, ये चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ कौन कहाँ पे रहते हैं, जोनल लेवल, सर्किल लेवल में। अब जोन सर्किल और इस जोन सर्किल, जोन में कौन रहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, एडिशनल कमिश्नर प्लानर, सिटी प्लानर। बोले तो पहले कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, फिर जोनल में म्यूनसिपल कमिश्नर, उनके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, एडिशनल। इस जोन को अगर हम डिवाइड करें तो सर्किल, इस सर्किल में भी इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर रहते हैं। तो इतना सिटी प्लानर होने के बाद भी हैदराबाद ऐसे फ्लड्स के वर्न, तो सब पार्टी लोगों ने फ्लड मैनेजमेंट को इस बार मैनिफेस्टो में बहुत इम्पोर्टेंस दिया। जे GHMC का बॉन्ड्स भी होती है BSE में, और इसका एनुअली मंथली इनकम 500 करोड़ तक आती है इसका इनकम। तो इतना रेट्स, इतना LRCs है यहाँ पे। तो ये GHMC का एक बार स्ट्रक्चर देखे तो इसका रूल कैसे चलती है, तो इस 4 आर्गस है। जैसे हम एक स्टेट का देखे तो गवर्नर, स्टेट असेंबली, कोर्ट ऐसा रहता है ना, ऐसा असेंबली, स्पीकर और MLA ऐसा। हमको भी ये GHMC में 4 बॉडीज रहती है, काउंसिल, मेयर, स्टैंडिंग कमिटी और कमिश्नर। काउंसिल को कौन चुनता है, जो वार्ड के थ्रू हम लोग जो जिसको कॉरपोरेटर को चुना के वार्ड से चुना के भेजते हैं वो सर्किल में जाते हैं। ये सर्किल में इन लोग काउंसिल चुनते हैं, इन काउंसिल मेंबर्स मेयर को चुनते हैं। तो हम लोग मेयर डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं, हम कॉरपोरेटर्स को चुन रहे हैं। सो ये कॉरपोरेटर्स को किसके नीचे आते हैं, MLA के नीचे आते हैं।
तो ये सब इसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे गवर्नर के और चीफ मिनिस्टर करते हैं, ऐसा ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेयर और एक कमिश्नर बोलना ना, फोर बॉडीज में मेयर एक, कमिश्नर एक, ये दोनों मिलकर इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, मेयर चीफ कमिश्नर जो स्टेट से अपॉइंट होता है IAS लेवल का, इन दोनों मिलकर यहाँ पे सिटी प्लानिंग को अप्रूव करना, बजट डेलोकेट करना, कुछ डिसीशंस लेना है। तो इसमें तो लेजिस्लेशन कैसे चलती है, तो इसमें फाइव लोग सब, जब भी ये सिटी प्लानर से सब लोग कर रहे हैं तो काउंसिल सेट होती है, जैसे असेंबली सेशंस होते हैं जैसे काउंसिल सेशन होती है, उसमें ये GHMC में फाइव लोकसभा MPs इसमें वोटिंग करने की उनको पावर रहती है। 24 MLAs बोले तो देखो कितना बड़ा है, क्योंकि तेलंगाना का टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन 118 बोले तो 118 कॉन्स्टिट्यूशंस में 24 MLAs आने वाला, इतना बड़ा इलेक्शंस है ये। 24 MLAs, 5 MPs, 74 lakh वोटर्स, 500 मंथली 500 क्रोर्स इनकम वाली GHMC के इलेक्शन, तो ऑब्वियसली टफ फाइट होती है होंगी। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है GHMC का, सैनिटेशन, हेल्थ, क्लीननेस और पब्लिक स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल मेंटेन करना, रोड बिल्डिंग, सिटी प्लानिंग एक्सटेंशन, स्ट्रीट लाइट्स, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ओपन स्पेसेस और पब्लिक मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब देखने की इसका ड्यूटी है। तो अब तक आपको क्लियर पिक्चर हो गया कि GHMC में हम लोग मेयर को नहीं चुन रहे हैं, हम जो चुन रहे हैं वो कॉरपोरेटर है, वो कॉरपोरेटर काउंसिल की तरह से मेयर को चुनते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से एक चीफ कमिश्नर होते हैं, ये दोनों मिलकर हमको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ये सब देने के लिए, बजट ये सब देख कर उन लोग एलोकेट करते हैं। तो अब इस GHMC में 74 लाख वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, अपना वोट देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें 52% मेल है, 47% फीमेल है। मल्लारेड्डीपल्ली में हाईएस्ट वोटर्स है, रामचंद्रपुरम में लोएस्ट वोटर्स है, यहाँ पे लोएस्ट वोटर्स है। ये सब लोग जब GHMC 2007 में मिला, सेकेंड टाइम तेलंगाना आने के बाद जब इलेक्शंस हुआ तो TRS ने 99 कॉर्पोरेटर्स को AIMIM असदुद्दीन ओवैसी का वो 44 जीता, BJP 4, कांग्रेस 2, TDP 1 जीता कॉर्पोरेटर। इससे बुंतु राम मोहन TRS पार्टी का ही मेयर बना। तो इसे 2007 में कौन बने, तब का कांग्रेस का कॉर्पोरेटर्स ज़्यादा थे, AMM का ज़्यादा थे, तो वो लोग टू एंड हाफ ईयर मेयर। अगर इस बार फुल टर्म बुंतु राम मोहन ने किया, अब कौन आनेंगे देखेंगे। तो इसमें रिजर्वेशंस भी चलता जनरल कैटेगरी SC ST का 2, मगर मेयर का अब वुमेन चुनने की, वुमेन मेयर होंगे ऐसा बोल रहे हैं, 50 वार्ड्स BC के लिए ऐसा रिजर्वेशंस भी है। तो इस फाइट में BJP का मेन पार्टी हेड JP नड्डा जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी अगर आने की क्यों ज़रूरत पड़ी बोले तो, इतना बड़ा जो 118 में 24 MLAs यहाँ पे, 5 लोकसभा MP, इतना बड़ा एरिया में जब इलेक्शन जा रहे हैं तो छोटा इलेक्शन नहीं है, गली का इलेक्शंस नहीं है, जैसे KCR बोला ये गली का इलेक्शन है। इस 24 MLAs में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में ही से 15 MLA, क्योंकि पहला जो म्यूनसिपाल्टी था वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपाल्टी था, और इसको ऐड एक्सटेंड करते हुए रंगारेड्डी को ऐड किया, उसमें 8 MLAs रिप्रेजेंटेट करते हैं। और मेदक, क्योंकि ये हैदराबाद सिकंदराबाद ऐसा कैपिटल है कि इसको जितना एक्सटेंड करे वो कर सकते हैं, तो मेदक में एक आया, ठीक है भले। तो अब जो फाइट है वो ये रंगारेड्डी मेदक में नहीं है, वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है। इस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में ही सब फाइट चल रही है AMIM BJP TRS का। तो मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसका कौन कौन है और कौन ने क्या बात किया ये सब हम जानेंगे। तो ये मैंने बोला ना, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 15 MLA रिप्रेजेंटेशन करते हैं,
ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 15 MLA रंगारेड्डी का एक, मेदक ये मिल के 24 MLA का ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं। इस 24 MLA असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 6 जोन्स में GHMC ने डिवाइड किया। इस 6 जोन्स को क्या क्या बोलते हैं, चारमीनार, LB नगर, शेरलिंगमपल्ली, कुक्कटपल्ली, सिकंदराबाद, कैरताबाद, तो ये जोन्स है। जोन्स के बाद क्या आते हैं, सर्किल। इस एक एक जोन में 30 सर्किल्स है, एक एक जोन में 30 सर्किल्स है, और 30 सर्किल्स के नीचे में क्या आता है, वार्ड मेंबर्स। यहाँ पे हम लोग वोट करते हैं। ये सर्किल्स जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं ना, ऐसा 30 सर्किल्स में और ईच सर्किल को 50 वर्ड्स, यहाँ पे पब्लिक अपना वोट देते हैं। एक वार्ड में कितना कितना पॉपुलेशन होती है, 37,000 एक वार्ड बोलते हैं, 37,000 जहाँ पे पीपल रहते हैं उसको एक वार्ड कहते हैं। तो कितना वार्ड्स है, ईच सर्किल में 150 वार्ड्स है। तो हम यहाँ पे कॉर्पोरेटर, जो वार्ड से चुने जाएंगे उसको कॉर्पोरेटर बोलते हैं। तो निज़ाम हैदराबाद म्युनिसपालिटी को एस्टवेल निज़ाम हैदराबाद म्युनिसपालिटी बोलते थे, उसको ओल्ड सिटी कहते हैं। यहाँ पे ये ओल्ड सिटी कहाँ पे आता है, हैदराबाद का मैप देखे तो साउथ में आते हैं, साउथ में आती है ओल्ड सिटी। इस ओल्ड सिटी में 3 सर्किल्स है, तो 150 ये 3 सर्किल्स, सर्किल नंबर 4, सर्किल नंबर 5, सर्किल नंबर, ये 42 वर्ड्स का है ये यहाँ पे। तो ये ओल्ड सिटी बोले तो आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं बोल रही हूँ, मुसरामबाग, सैदाबाद, सरूर नगर, बारकास, मुगलपुरा, चादरघाट, चांद्रायन गुट्टा, पुराना पुल, बेगम बाजार, शाली बंडा, फलकनामा, जू पार्क, ऐसा बहुत है। ये सब मिलके अब वर्ड्स बोलते हैं। इसमें सर्किल नंबर 4 में 24, सर्किल नंबर 5 में 13 या 24 ऐसा वर्ड्स आते हैं। तो अब निज़ाम बनाया, सो हैदराबाद म्युनिसपालिटी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अब बने, उसमें 15 MLA का रिप्रेजेंटेशन, 15 MLA का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। उसमें ईच जोन में 30 सर्किल्स है, 30 सर्किल्स है, 30 सर्किल्स और 150 वर्ड्स के में एक इलेक्शन हो रहा है, 150 वर्ड्स का इलेक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग जहाँ पे क्या, कौन, किस किस के पास ये है, क्योंकि रंगारेड्डी और मेदक में तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में, क्योंकि वहाँ पे AMIM कंटेस्ट ही नहीं कर रही है। तो जब फिर भी वो लोग मेयर का क्यों बोल रहे हैं बोले तो यहाँ पे ही ज़्यादा वोट्स है, क्योंकि 15 MLA का कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ वोट्स भी ज़्यादा है। पिछली बार वो लोग ने 44 वोट्स जीते, तो इसलिए वो लोग टफ फाइट दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग 6 जोन्स का ये GHMC को हम लोग जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो जहां फाइट है, जो 15 MLA का एरिया है वो जानेंगे, और उसमें फाइट क्या है हम जाएंगे। जोन 1 सेंट्रल जोन बोलते हैं, सिकंदराबाद जोन सेंट्रल जोन, तो नाम के जैसे देखे तो सिकंदराबाद जोन, उस मैप के ईस्ट वेस्ट ऐसे देखे तो सेंट्रल में आती है ये सिकंदराबाद जोन। उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी मुशीराबाद बोलते हैं, यहाँ का MLA TRS है, उनका सर्किल 15 है, वर्ड्स 16, बराबर की सब के बीच में फाइट है। और सेकंड देखे तो साउथ जोन में चारमीनार जोन बोलते हैं, इसमें मलकपेटा AMIM का MLA है, यहाँ सर्किल 6 है, 7 वर्ड्स है, फाइट सबके बराबर है। नॉर्थ जोन बोलते हैं, उसमें सिकंदराबाद आती है, उसमें अंबरपेट TRS, पहले BJP का था, अब प्रेजेंट अंबरपेट का MLA TRS का है, सर्किल है, वर्ड्स 6 है, यहाँ पे AMIM, BJP, TRS तीनों में फाइट है। सेंट्रल जोन
कैरताबाद, क्योंकि मैं तीनों के बीच में लड़ाई क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं मालूम, टीआरएस डम्मी कैंडिडेट रखा या सचमुच में कैंडिडेट रखा। सेंट्रल जोन कैरताबाद आती है, कैरताबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी टीआरएस का एमएलए है, इसको सर्किल 17 बोलते हैं और 20 वार्ड्स है। इस ऑल पार्टीज में बीच में एएमआईएम बीजेपी टीआरएस में फाइट है। सेंट्रल फिर सेंट्रल जोन कैरताबाद जुबली हिल्स, यहाँ पे टीडीपी का एमएलए है, इसको 18 सर्किल बोलते हैं। इसमें सब बराबर हैं, सब लोग एक बराबर जीत रहे हैं। जो मैंने बोला चार मीनार साउथ जोन में आ रहा है, मार्कपेट वाला एक टफ फाइट है और कैरता और टफ फाइट है अभी आगे है। सेंट्रल जोन फिल कैरताबाद जोन के सेंट्रल कैरताबाद जोन में आने वाला सनत नगर टीआरएस है, इसका सर्किल नंबर 17, इसको टीआरएस बीजेपी के 5 वार्ड्स पे लड़ाई है। साउथ चारमीनार, ये साउथ में चारमीनार जोन ओल्ड सिटी का है, इसमें नामपल्ली का एमएलए एएमआईएम का है। यहाँ पे एएमआईएम वर्सेस बीजेपी का टफ फाइट चल रही है। सेंट्रल और कैरताबाद जोन में कारवान एएमआईएम, पहले बीजेपी का था अब एएमआईएम को हो गया एमएलए है, वहाँ पे 13th सर्किल है, यहाँ पे एएमआईएम बीजेपी का टफ फाइट है। ये ओल्ड सिटी का ही है। सेंट्रल जोन कैरताबाद गोशामल, ये भी ओल्ड सिटी बोलते हैं, यहाँ पे बीजेपी का एक ही एमएलए है राजा सिंह, इनका टीआरएस बीजेपी और एएमएम के बीच में लड़ाई है। साउथ चारमीनार, साउथ में आने वाला ओल्ड सिटी चारमीनार जोन का चारमीनार एएमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है, इनका एएमएम बीजेपी और टीआरएस से फाइट है। सो डायरेक्ट फाइट तो बीजेपी के साथ है। साउथ चारमीनार जोन में ये भी ओल्ड सिटी का है, ये चांद्रायन गुट्टा का एमएलए अकबरुद्दीन, चारमीनार का एमएलए एएमएम अहमद खान, वो उन लोगों का बीच 78th सर्किल है, इसमें भी एएमएम बीजेपी का टफ फाइट है। ये भी ओल्ड सिटी एरिया है। साउथ संतोष नगर जोन बोल के आती है याकतपुरा, यहाँ पे एएमएम तो बहुत बार जीती, बीजेपी टीआरएस में अब फाइट है। तो साउथ चारमीनार बहादुरपुरा, यहाँ पे भी एमएलए एएमआईएम का है, एएमएम और बीजेपी का टफ फाइट है। नॉर्थ जोन सिकंदराबाद है, यहाँ पे ये भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है। नॉर्थ जोन सिकंदराबाद है, टीआरएस का एमएलए है, टीआरएस बीजेपी कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। साउथ नॉर्थ सिकंदराबाद जोन सिकंदराबाद कंटोनमेंट आती है, यहाँ पे सब लोगों का फाइट चल रही है। तो क्यों मैं बोल रही हूँ बोले तो, ये ओल्ड सिटी जहाँ रहती है वो मैं आपको मैप में भी दिखा दूँगी, साउथ जोन में आती है और थोड़ा सिकंदराबाद थोड़ा वेस्ट नॉर्थ पे भी एक्सटेंड है, इसलिए ये टफ, ये 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, 15 एमएलए का ये एरिया में, 7 एमएलएस 2018 जन असेंबली इलेक्शंस में 7 एमएलएस एएमएम का, बाकी एक बीजेपी का, बाकी टीआरएस का एमएलएस है, इसलिए अब टफ फाइट चल रही है। तो मैं जो बात बोलने वाली थी, एक ही एक पार्टी है जिसका बिना मैनिफेस्टो नेशनल इलेक्शंस में नेशनल पार्टी बनने की बहुत उत्साह रहती है, वो कोई और पार्टी नहीं एएमआईएम। आप एक बार इसका हिस्ट्री देखिए, उसका जो भी कंटेस्टेंट रहते हैं उसका नाम सीक्रेट रहती है, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं रहते। जो असदुद्दीन ओवैसी मोनार्क की तरह एक बार डिसाइड हो गया तो डिसाइड, मगर इस जीएचएमसी में बीजेपी के अंदर ही फाइट हुआ सीट के शेयरिंग पे, सीट्स के लिए, और वो टीआरएस में भी बहुत फाइट हुआ। कांग्रेस में तो कहीं जगह हैदराबाद रंगारेड्डी मेदक में तो अपना कहीं जगह अपना कैंडिडेट को ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा चलती है 15 डिस्ट्रिक्ट का वक्त, एक हाई टेंशन वाली, एक ट्विस्टिंग वाली इलेक्शंस ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। और रंगारेड्डी मेदक में जो जोन्स में आते हैं, एलबी नगर, वो सब ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच बोले तो कांग्रेस या बीजेपी या टीडीपी, कुछ भी ये चल सकती है। तो
इस बीच में तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिना मैनिफेस्टो AMIM असदुद्दीन ओवैसी बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जब वो लड़ने गए तो ऑब्वियसली वो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आएंगे ना, तो ये उनका गड्ढा है, तो उन्होंने भी अपना सत्ता दिखाना चाहते हैं। तो ये कोई पोलराइजेशन पार्टी नहीं है BJP, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में एक प्लानिंग, एक मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो इज मैनिफेस्टो को एक बाइबल की तरह, एक कुरान की तरह, एक गीता की तरह मानी जाती है एक पॉलिटिशियन के लिए, क्योंकि उसमें जो बात कह गई वही उस पर ही ज़्यादातर पार्टीज काम करती हैं। तो विदाउट मैनिफेस्टो काम करने वाली AMIM अब महाराष्ट्र में, उत्तर बिहार में 5 MLA जीती, और उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा जीतने वाली है, नेशनल पार्टी बनना चाहती है, मगर अफसोस की बात है किसी को मालूम नहीं, उसका मैनिफेस्टो कभी नहीं होता। आप देख लीजिए, आपके घर चेक कीजिए, ऐसा पार्टी है MIM, AIMIM और KCR जी BJP को ही एक अकेला पोलराइजेशन पार्टी। यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों होते हैं, कैसा होते हैं बोले तो इनको भी पूछना है, क्योंकि इन्हों भी अब उनके एरिया में कैंडिडेट्स रखे, तो इन KCR जी को पूछना है कि क्या है आपका मैनिफेस्टो, क्योंकि BJP का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मगर इनका मैनिफेस्टो क्या है ये पूछने वाली बात को छोड़कर BJP को अकेला हिंदू को सेकुलर बोलना ये नहीं होता कि हिंदू को डांट दिए तो आप अच्छे सेकुलर बन गए, हिंदू उसका रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है बोल के ऐसा BJP की, क्योंकि BJP की तरफ से मुस्लिम्स भी कंटेस्ट करते हैं, मगर AMIM से कोई भी हिंदू कंटेस्ट नहीं करता। तो पोलराइजेशन को कौन कर रहा है ये सब मालूम है, किसका मैनिफेस्टो नहीं है सबको मालूम हो गया, तो वो पूछना है। मिस बीच में जो वर्ड के काउंटर्स हो रहे हैं दोनों बीच में, पंचस डायलॉग्स काउंटरिंग हो रही है, ये सब अपने अपने जगह है, सब लोग फ्लड मैनेजमेंट और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, मगर वोटर क्या करेंगे, दिसंबर 1 को वोटिंग होती है, 3 में रिजल्ट आती है, तब मालूम पड़ जाएगी। अब मगर मुझे अफसोस की बात ये लग रही है, इस बीचों बीच नरेंद्र मोदी जी कोविन वैक्सीन के लिए एक ही दिन वैक्सीन को चेक करा तो यहाँ के पार्टी के लोग उसको भी इलेक्शन कैंपेन की वजह से यहाँ पे आया ये शो आप बोल के बोल रहे हैं, मगर KCR को वेलकम बोलने के PM ऑफिस से नहीं बोल के बोल दिए मोदी जी, वो उसका उनका पार्टी के मेंबर को ही नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने 45 मिनट्स हैदराबाद में स्टे किए, उसमें 10 मिनट्स आना 10 मिनट्स जाना बोले तो बीच में 20 मिनट्स को उन्होंने भारती बायोटेक में टाइम बिताया। तो इसको पोलराइजेशन, इसको इलेक्शंस का स्टंट बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए आप मोदी जी की एक थिन लाइन को मालूम है, मोरालिटी का एक थिन लाइन मालूम है कि इस इलेक्शंस टाइम पे अगर उनको डिस्टर्ब करना होता है, क्योंकि उनको वही दिन कल ही उनको 4 o'clock एक मीटिंग करनी थी, तो KCR को आना एक रिसीव करे तो ऑब्वियसली एक फंडामेंटल की तरह, एक प्रोसीजरल, एक प्रोटोकॉल की तरह होंगी, इसीलिए जब इलेक्शंस हो रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबको ना करते हुए डायरेक्ट जो काम पे आया वो काम देख के चले गए, इसी को भी पोलराइजेशन करना एक मोरालिटी को हट करने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर इज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपना काम करने का आया, मगर उन्होंने अपना पार्टी के मेंबर्स को ही नहीं बात की, नहीं मिला किसी को, रिसीविंग करने के लिए नहीं बुलाया, तो उनका मोरालिटी देखिए। मगर अफसोस की बात है जो सेकुलर बोलते हैं वो ही पोलराइजेशन ज़्यादा करते हैं, जो हिंदू का सैफरन का पार्टी बोलते हैं BJP, वो तो सबके लिए ओपन है, उनके लिए मुस्लिम्स भी वोट कर कंटेस्ट करते हैं, ऐसा तो लोगों को सोचना है कि क्या है पोलराइजेशन, क्या है अपीजमेंट। तो आप लोगों को एक डाउट आता होगा, जब मैनिफेस्टो नहीं है तो ये 7 MLA ऐसा कैसे जीत रहे हैं ये लोग, ये मैं बोले तो डायरेक्ट अपीजमेंट,
तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं कैसा भी जीतने वाला हूँ, तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं वो कर देता हूँ। ऐसा करना अपीजमेंट होती है। ऐसा हुआ ज़्यादातर जो मलकपेट ओल्ड सिटी में जो अपीजमेंट है वो हमको मालूम पड़ता रहता है, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए वो सोचने के लिए। जब हमको ज़रूरत है तो हाँ ये अच्छा है ना, हमारे लिए कुछ काम कर रहा, मगर वो अपीजमेंट होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी इसी तरह चलती है कि किसी का प्लानिंग उसको एग्जीक्यूट करना होती है, वो ओपन बुक की तरह रहना चाहिए, अदरवाइज उसको अपीजमेंट ही कहते हैं। ये अपीजमेंट से चलती है ये AMM पार्टी। तो आप एक बार नज़र डालिए, कौन है आपका आपका सच्चा साथी, कौन है आपका डेवलपमेंट के तरफ लेने जाने वाले, कौन है पोलराइजेशन करने वाले, कौन है आपको धोखा देने वाले, सब बैलेंसिंग की तरफ सोचकर आप वोट कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलने तक जय हिंद, जय भारत।